नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब ये समय है कोरोना काल, इसमें काम भी करना है, खुद को सुरक्षित भी रखना है, पर कैसे? अरे ये तो भारतीयों के लिए बाएं हाथ का खेल है। जुगाड़ आगे स्क्रीन पर देखिए, इन भाई साहब ने क्या बढ़िया तरीका निकाला है सोशल डिस्टेंसिंग का। वैसे कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जहां एक और लोग भले ही जुगाड़ से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, पर एक दूसरा पहलू ये भी है। आगे देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, एक बार तो शायद आप हंस दे, लेकिन ये एक सोचनीय विषय है। मैं जानती हूँ आपने भी आपके आसपास ऐसे कई नजारे देखे होंगे, लेकिन ये जो तस्वीर है ये कोरोना के समय की है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आप केवल गिनती कीजिए कि आखिर कितने लोग यहाँ बैठे हैं। आगे इस तस्वीर में तो पुलिस ने तक इस दंपत्ति के आगे सर झुका लिया है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इन्हीं सबको देखते हुए भारत की कंपनी ने एक नया स्कूटर लॉन्च किया है, जिसमें एक ही व्यक्ति स्कूटर पर होगा, क्योंकि टू सीटर बाइक पर एक और करने की गुंजाइश में इतनी बढ़ा ली कि एक कार से भी ज्यादा लोग बाइक पर बैठे आपको मिल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा मौका ही ना दिया जाए, भारतीय इलेक्ट्रिकल स्कूटर निर्माता कंपनी जेमोपाई इलेक्ट्रिक ने करीब एक महीना पहले अपने नए स्कूटर के मॉडल का टीजर जारी किया था और कहा था कि ये भारत का पहला सोशल डिस्टेंसिंग स्कूटर होगा। अब कंपनी ने भारतीय बाजार में अपना मिनी ई स्कूटर मीजो लॉन्च किया है। कंपनी ने मीजो की कीमत 44,000 रुपए रखी है और सबसे अच्छी बात, कंपनी के मुताबिक जेमोपाई मीजो पूरी तरह मेड इन इंडिया व्हीकल है। कंपनी ने बताया कि स्कूटर में इस्तेमाल होने वाले बैटरी पैक के अलावा इसे देश में ही बनाया गया है और असेंबल किया गया है। ये ई स्कूटर कई बैटरी विकल्पों के साथ उपलब्ध होगा और तो और इस स्कूटर को चलाने के लिए लाइसेंस या क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ जिसे आप कहते हैं की अनुमति भी लेने की जरूरत नहीं होगी। वैसे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी का प्रेरणा स्रोत इस तरह के महानुभाव ही रहे होंगे। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।